जस कॉलोनी में चौथे दिन भी भारी संख्या में उमड़ पड़ी भीड़। संभल असमोली थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर जस कॉलोनी में चतुर्दिवस श्री राम कथा सुनाते हुए स्वामी विजय महाराज जिन्हें कहा कि अहंकार मिटाने पर प्रभु की प्राप्ति होती है। श्री स्वामी विजय स्वरूप महाराज जी ने अहंकार मिटाने पर प्रभु की प्राप्ति होती है। जनक जी ने ऐसा प्रण किया जो कि शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ माता सीता का विवाह करेंगे। सभी देश की राजा वहां पहुंचे और सभी ने धनुष पर अपना बल प्रयोग किया किंतु धनुष को कोई हिला भी ना सका। अंत में विश्वामित्र जी के कहने पर प्रभु श्री राम उठे और उन्होंने सिर्फ धनुष को बीच से उठाया ही था कि धनुष टूट गया। जय जयकार होने लगी और फूलों की वर्षा हुई। माता सीता ने राम जी को वरमाला पहनाई और यह धनुष अहंकार का प्रतीक और जीव और ब्रह्मा इन दोनों के बीच में अहंकार ही पड़ा है। अहंकार रूपी भाषा समाप्त होने पर परमात्मा रूपी राम की हमको प्राप्ति हो जाती है। आज मनुष्य को धन का, पद का, रूप का, विद्या का, जाति का, अनेक प्रकार के लोभों का अहंकार सताता है। यह मनुष्य का पतन कर देता है। पूरा संसार परमात्मा का है। यहाँ की सब व्यवस्था परमात्मा की व्यवस्था है। अज्ञानता के कारण लोग इसे परिवार को, व्यापार को, संसार को अपना मान लेते हैं। इसी से उनका दुख होता है। श्री राम कथा हमको यह शिक्षा देती है कि इस अभियान रूपी धनुष को भंग कर दो, तुरंत प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कथा में राम और सीता के विवाह का प्रसंग सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और श्रोताओं की बहुत अच्छी खासी संख्या कथा में बनी रही। ग्रामवासी कथा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। संभल से उमेश गुप्ता, जी न्यूज इंडिया, जिला संवाददाता संभल। शंकर जी ने राम जी का दर्शन किया। आज वक्त में राम जी है तो